नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील चौधरी, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजूबास बीकानेर के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये लगभग आपके 18 अगस्त तक चलेंगे। आप सभी अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं कराए तो ई मित्र के पास जाइएगा। लगभग दोस्तों आपका 2500 रुपये इसमें चार्ज लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तीन ही गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है। दोस्तों, एक बीकानेर में है, एक जयपुर में है, इसके अलावा एक उदयपुर में है। अब तीनों कॉलेजों के सीट मैट्रिक्स पर बात करेंगे। दोस्तों, तीनों कॉलेजों में 100 100 100 सीटें, यानी टोटल आपकी 300 सीटें। इसमें से क्या होगा, 85% सीटें इनके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिनका अभी जो RPVT रजिस्ट्रेशन करा रही है इसके थ्रू एडमिशन होगा। बाकी 15% सीटें जो आपका VCI ऑल इंडिया है उसमें आपका चला जाएगा। अब दोस्तों, तीनों कॉलेजों की जो 300 सीटें, इसमें से तीनों में से 15-15 कम होंगी, तो आपकी 45 जो सीटें ये कम हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीनों कॉलेजों में 5-5 सीट आपकी NRI की दे रखी है, तो लगभग 15 सीटें आपकी ये खत्म हो गई, 45 ऑल इंडिया कोटा में चले गई, टोटल आपकी 60 सीटें जा चुकी हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कितनी बची है। तो प्रत्येक कॉलेज में 35 35 35, यानी 105 ऐसी सीटें हैं जो रेगुलर सीटें, जिनका 8 10 12 15 हजार के समथिंग टोटल आपका ईयरली चार्ज आएगा। लेकिन अब इन सीटों को दोस्तों अपन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे जर्नल, EWS, SC, ST, OBC, तो ये बहुत कम सीटें रह जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों फिर क्या है, जैसे आपको जनरल कैटेगरी हो गई, इसमें 30% फिर महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो इसमें भी डिवाइडेशन हो जाएगा। तो आपकी जो रेगुलर सीटें दोस्तों ये बहुत कम है। इसके अलावा अपन जो पेमेंट सीटें, जिनका जो पेमेंट है 3 लाख रुपए पर ईयर है, वो प्रत्येक कॉलेज में 45 45 45, यानी दोस्तों आपकी 135 सीटें पेमेंट बची हुई हैं। अब ये भी आपकी कैटेगरी में डिवाइड होंगी। तो स्टूडेंट अभी मेरे पास मैसेज करता है कि भैया क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मेरे 480 नंबर है, 510 नंबर है, 520 मुझे रेगुलर मिल जाएगा। तो दोस्त है जो प्रैक्टिकल सोच है, देखो ऐसे नहीं मेरे कहने ना कहने से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ सबको कॉलेज मिल जाए, मेरा कुछ नहीं चाह रहा, मैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, क्योंकि वेटनरी के स्टूडेंटों से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। लेकिन अपन प्रैक्टिकली बात करें, थ्योरेटिकल अपन को नहीं रहना है कि इतनी कम सीटें हैं। अब जैसे अभी कट ऑफ आपने देखा होगा, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का गया, अभी सेकंड थर्ड मॉप अप होंगे, अप्रोक्स आपका 600 पर क्लोज हो जाएगा। अब जो 600 से कम जो नंबर हैं, इसमें से चलो 50% स्टूडेंट रिपीट करेंगे, बाकी सबको स्टूडेंट चाह रहा है कि मैं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले लूं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज MBBS के बाद जो स्टूडेंट का सेकंड नंबर का जो फेवरेट कोर्स है वो वेटनरी बना हुआ है, तो ये सभी लोग वेटनरी में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। अब सोचो दोस्तों, 600 पे अगर आपकी कट ऑफ होगी तो कितनी कम होंगी, लिमिटेड सीट है और इतने ज्यादा बच्चे हैं, तो अप्रोक्स 550 560 70 से ऊपर आपकी रेगुलर बढ़ जाएंगी, बाकी 10-15 नंबर का फर्क पड़ेगा, ये आपकी पेमेंट बढ़ जाएंगी। यही आप कैटेगरी में देख लो, जो आपकी कैटेगरी ऑल इंडिया की रोकी है उसमें 50 नंबर का आप मार्जिन रख लो, तो इतने में आपकी जो कैटेगरी है ये बढ़ जाएंगी। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा है मेरे 420 नंबर है, 430 नंबर है और मुझे रेगुलर सीट मिल जाए, तो वो बिल्कुल अंधकार में। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको रेगुलर पेमेंट ही चाहिए और इतने कम नंबर है, तो क्या आप जो रजिस्ट्रेशन में 2500 रुपये लग रहा है, आप ये भी ना लगाएं, बिल्कुल अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकली हो। कई बार क्या होता है, मैं स्टूडेंट को देखता हूँ फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, अभी 5-6 राउंड होते हैं RPVT के, हर साल में काउंसलिंग कराता हूँ, 2 से 2.5 महीने निकल जाता है, फिर स्टूडेंट ना तो किसी कोर्स में एडमिशन लेने का रहता है, ना रिपीट करने का रहता है, और फिर वो ऐसा होता है कि आधी साल तो निकल गई, अब आधी बची है, इसमें क्या करें। अब जो स्टूडेंट होते हैं उनका पहले से माइंड सेट होता है, या तो वो किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं या फिर वो दोबारा से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो वेटनरी एक ऐसा है जो ओपनली काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कमियां रखता है, और स्टूडेंट अंधकार में फंसे रहते हैं, लालच रहता है मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन आप जो राजूबास की ऑफिशियली साइट है वहां जाइए, सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप खुद एनालिसिस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। काफी स्टूडेंट जब से नेक्स्ट एग्जाम हुआ है आउट ऑफ इंडिया जाने लगे हैं और मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं, भैया आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया का प्लान कर रखा है तो नीचे मेरा स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कम बजट में बेहतरीन और शानदार यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन दिलाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, राजूबास बीकानेर का मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, उसमें तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग में जो भी अपडेट आएगी मैं स्टूडेंट तक डाल देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि हर छोटी छोटी बात पर अपन वीडियो नहीं बना सकते, तो उसमें स्टूडेंट भी एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कोई भी अननेसेसरी मैसेज नहीं करता। अगर दोस्तों आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कहाँ के रहने वाले हो, अपना नाम और जो नीट का स्कोर है मुझे लिख के सेंड कर दें, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।